नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं प्रिया, ब्लू एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। मेरठ के थाना सरदना क्षेत्र के दबुथवा गांव की रहने वाली तानिया की हत्या, उसी के ताऊ के लड़के ने उसे बेरहमी से गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार कर दिया था। उसके बाद मृतक के परिजन ही आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। वहीं तानिया के कॉलेज फ्रेंड सर्कल ने थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र में कैंडल मार्च निकालकर उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की और उसके कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सजा दिलाने की मांग की। और सर, तानिया हमेशा कहा करती थी कि जो उसका भाई है वो उसे एक नए दिन मार देगा। सर, शायद उनका किसी बात को लेकर कोई विवाद रहता था जिसकी वजह से उसने उसको गोली मारी। और सर, ये बहुत ही बेरहमी से उसका कत्ल किया। सर, ये बहुत ही गलत है जिसकी वजह से हम सब तानिया के दोस्त हैं और सर उसके सपोर्ट में हैं, उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक्चुअली मेरी फ्रेंड थी तानिया चौधरी। सर, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और सर जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं बिल्कुल गलत हैं। उसकी फैमिली सिर्फ उसके भाई को बचाना चाहती है जिसके ऊपर शायद पहले भी एक मर्डर का चार्ज लग चुका है। मैं श्योरिटी से ये नहीं बोल सकती लेकिन ये हमारी सुनने में आया। और सर, उसका और उसके भाई का बहुत लड़ाई रहती थी और सर जब उसने उसको गोली मारी तो सर वो बहुत ड्रंकन स्टेट में था और उसने उसको सर 3 गोलियां मारी है, जो कि एक उसके इनर थाई पे, एक उसके प्राइवेट पार्ट पे और एक जस्ट अबव वेस्ट। सो सर, उसको बहुत बुरी तरह मारा गया है और सर कोई ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपका बच्चा गलत है तो आप उसको समझाओ, आप उसको मार नहीं सकते हो। शी वॉज 19 ईयर ओल्ड। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से, क्या मांगे आप? सर, हम ये चाहते हैं कि उस जिसने उसको मारा है उस जानवर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसे सजा दी जाए और जिसने भी उनका उसका साथ दिया है उसके घर वाले सबको सजा दी जाए।